करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा Thank you.
हरे हरे राम हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama R
ऐसे प्रभुपाद नगर तुलसी साष्टांतन प्रणिपात करते हेती प्रार्थना करी मध्य शिक्षा गुरु परमारातम परम पूज्य पशल भक्ति विचार विष्णु साई महाराज में तुम साष्टांग प्रणिपात हेती प्रार्थना करी समस्त आचार्य वैज्य गुरुवर्ग गुरु परंपरा गौड़िया सरस्वत भक्त बंद समस्त चरण को साष्टांग प्रणिपात हेती प्रार्थना करी संपस्त वैष्णव वृंद मातृमंडली वैष्णव वृंद भगवत कथार सत्यस्वती भक्तजन वृंद समस्त ग्रामवासी भक्त समस्त चरण को भगवान बड़ लोक इच्छा ही बलवत्तर जदि आम निज इच्छा सबकि करुचे निजर बुद्धि निजर पुरुषार्थ निजर कर्म निजर चतुरता निजर विवेक से आम सफलता पाइबा से कौन शत प्रतिशत आम प्रतिश्रुति जदि भगवत इच्छा जी न था गोटे ऐश्वरिक शक्ति आवश्यकता रही आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक भित्तिभूमि पर जो मैंने जीवन रानदंड को या तांकर शौध केवे घुसरी हुए से प्रकार जिते भी जो बड़ बड़ मनुष्य जीवन को आम जो अवलोकन करवा धार्मिक भित्तिभूमि पर जीवन को या धर्म विश्वास निहती दरकार भगवत चेतना भगवत विश्वास ही दरकार भले आम जो स्थित था कहीं आम जहाँ कले भी जी जगत को सृष्टि कर जहाँ द्वारा सबकि चलप्रचल होम भितर अच्छा सबकि कृतज्ञता प्रकाश करवाई सबकि त्याग करवा भी बुद्धिमान कर्तव्य देखो चंदन यात्रा जो महामहोत्सव दीर्घ विगत किसी वर्ष धरी जो 14 वर्ष धरी चली आसला भगवान इच्छा ही बड़ लोक सत कथा कह व्यासन बस मोर आसवर इच्छा नाला छाड़ी पलि थी मुस्तफा भी दे दी थी मिशन को मुँह रही खतापड़े प्रश्न कराला कहीं रही मुझे मोर बयस हो गला भजन कर वृंदावन 15 वर्ष तो रही से मैंने स्वीकार भी करते कि जो प्रकार परिवेश सृष्टि है ये आमर सब मठ अंतवासी मान गुरु भाई मैंने सब छाड़ी पलैले ग्रामवासी माने भी बहुत दुखित हेले भक्त मैंने सब क्रंदन कले एपरिक विग्रह भी अपेक्षा कले समस्त को उल्लंघन कर सामर्थ्य मोर कौटी अच्छे बाध्य आसवा पड़ा से समस्त पाखे क्षमा प्रार्थी क्षमा कर दे जदि का दुख दे भगवान इच्छा ही सब किसी निज इच्छा कि सतचेषा कले कि देखो आज गोटे रिस्क चैलेंज नहीं कर ओपन पैंडल ये तो गोटे प्रकृत मन भितर भावना आसला आम के आड़म्बर करुले टेन्ट उड़ी जाऊला आज देखिए मदन मध्यम चैलेंज कर खोला मंच प्रोग्राम करा जदि बुड़ा बुड़ा उड़ला उड़ला भगवान तो अटक उच्च से करें निमित्त मात्र आम जहाँ भी करे निमित्त मात्र आमर किसी सामर्थ्य ना कि भी ना शुखला पत्र भी हल पवन भी ना ए निरभिमान भाव निस्वार्थ भाव जो मैंने किसी कर्म क्षेत्र अग्रसर हमें निजुक्त हमें से सफलता मिलता है तार स्वाद ही अलग होता है से कार्य कराए तीन प्रकार था किसी लोक कार्य करती कुछ महत्व उद्देश्य करती भले से भगवान को प्रति पाओ कि समाज कल्याण हो आछ लोक कार्य करती किसी प्रतिष्ठित जगत में लोक मत जानत मुझे करुचे आउ कि लोक कार्य करते कि फायदा पाए अर्थ प्राप्ति पाए जगत जो मैंने किसी कर्म करा उद्देश्य थाए कि विशेषकर चंदन यात्रा महामहोत्सव उद्देश्य हूँ महत् भगवान प्रीति जगतर कल्याण यही उद्देश्य आपको आरंभ कर ये उद्देश्य ही बलवत्तर ही रेणुक आज जो बंद तो है ना ग्राम भाई मैंने बाहर थे किसी करवाईग भगवत इच्छा बंद तो हमने ठाकुर के इच्छा किंतु भगवान चाहते बोधे कौन साधु मान मध्य हो ये बुले डाक आँचन सी तक आम चिर कृतज्ञ सी शक्ति दिखता आम मान को
सामर्थ्य दिंतु बुद्धि दिंतु बेक दिंतु इच्छा आम जीवन को परिचालित करते ही कामना कै आम भितर अहमिका अहंकार अभिमान स्वार्थ भाव ये सब दूर कर दिंतु भेदभाव संकीर्णता ये विचार को दूर कर दिंतु समदर्शी भाव आम भितर आसु समस्त भितर समस्त जी गोटे केन्द्र बिंदु गोटे प्लाटफर्म को आसिया आम उद्देश्य हूँ ठाकुर जी चंदन जात्रा एथे कौन सी आई मिलावट ना दरकार यही प्रकार जो महत्व उद्देश्य आम समस्त करवा देखिए अनुष्ठान बहुत आगे जीव आ जाऊँ आज तो 16 तारीख कल आसंता का 17 तारीख बास नौका विहारत हो पर दिन 18 तारीख दिन जहाँ भी किसी भजन संध्या प्रोग्राम हम रखिंट जमी होता प्रशासन पूर्व चलित पूर्व वर्ष से प्रकार ही करा जीव जदि इंद्र देवता कृपा करती ठाकुर जी कृपा करती कहीं आमर सब सामर्थ्य सरी सब बुद्धि सब फेल हो चंदन जात्रा मजल किसी कम करनी बुद्धि निजे में भुक्त भोग किसी कम करनी ये इच्छा ही होती उड़े दे उड़े दे विशेषकर साधु मान द्वारा जो महोत्सव कराए तार उद्देश्य हूँ जगतर कल्याण आज एथपाई जो सत्संग व्यवस्था कर भाग सप्ताह जो कर दुर्भाग्यवशत ए वर्ष तो हो पार तब कथा मृतं तप्त जीवन ये हूँ गोपी गीतर गोटे श्लोक ब्रजरे तीन शत कोटि गोपी तीन शह कोटि गोपी वृंदावन रर आराध्या होकर मूल अधीश्वरी हूँ श्रीमती राधाराणी किशोरी जी जमुना तटे थे पहुँचती कृष्ण विरह व्यथित होगी कृष्ण साक्षात्कार कृष्ण दर्शन लालसा को मन भितर उज्जीवित करुद्यमान कीर्तन करा गोपी गीत गोपी गीत कृष्ण को पाइबापाई श्याम सुंदर साक्षात पाइबापाई श्याम सुंदर सान्निध्य लाभ करने जमुना पुलिन तटे मंद मंद मृदुमंद समीरण अपूर्वज शोभा ये सब दर्शन कर श्याम सुंदर प्रति जो चिंतन वृद्धि है कृष्ण साक्षात्कार पाइबापाई जो तर मन भितर हृदय भितर जो आलोड़न सृष्टि है जहाँ को से रोक पारिना अंतर भितर से व्यक्त कर गीत मध्यम कहला गोपी गीत कि कांदी कांदी कीर्तन करांदी कांदी की गीत गाईपर कि गीत प्राय समस्ते गाइबा हसी हसी सुखर गाँव आम जगत में जिते सब गीत गाती खुशी गाती गोपी मान को गीत से कांदी कांदी गाइन कहला गोपी गीत को कहला कांदुच्च कहगला क्रंदन करु आनंद पाँच कहीं से कृष्ण कांदुच्च कहुच्च कृष्णपाई जो आम क्रंदन करा भितर बहुत आनंद मिले जगत पर क्रंदन कले आनंद प्रश्न है ना एथपाई से गोपी गीत गाई तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं कृष्ण विरह व्यथित तीन शत कोटि गोपी राधाराणी के सह क्रंदन करी कृष्ण साक्षात्कार पाया कृष्ण को दर्शन करने जो गोपी गीत गाई ये हूँ भागवत सबुठ आस्वादन रसिक जो मैंने भावुक था
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରିଷ୍କାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠାକୁରଜୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେମାନେ କଥାର ମର୍ମକୁ ବହୁତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତବ କଥା ମୃତଙ୍ଗ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଆରେ ତମମାନେ ବଞ୍ଚିଛ କେମିତି? ତମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ତ ମରିଯାଅ ନା, ମରିଯିବା କଥା। ଯୋଉଠି ଘନୀଭୂତ ପ୍ରୀତି ଥାଏ ତାର ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ କି ତମମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିତ କେମିତି ଅଛ? ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଆହଉଛି, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବାର ଇନ୍ଧନ କିଏ ଦେଲା? ନା ବଞ୍ଚିବାର ଖୋରାକ ହେଉଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ତମରି କଥା ମହାରାଜ। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭଲେ ତମେ ଆମ ପାଖରେ ନାହଁ, ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ, ତମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତମ କଥାକୁ ଆମେ ତ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ନା। ତମ ରୂପ, ତମ ଝାଙ୍କି, ତମ ଲୀଳା, ତମରି କଥା, ତମ ଚାତୁରୀ, ତମର ଚାଲି, ବାସ୍ ପ୍ରତିଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା, ସେ କଥା କେମିତି ଭୁଲିବୁ ସରକାର ଆମେ? ବାସ୍ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଲୁ, ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚେଇନି ଆମକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଯଦି ବାସ୍ତବ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ତମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁପରି ଉଚ୍ଛରୀକୃତ ହେଇଛୁ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ତମ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ ମହାରାଜ, କେବଳ ତମରି କଥା ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ତବ କଥା ଅମୃତମ୍, ଏ କଥା ହେଉଛି ଅମୃତ ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ। ଏ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାର ଶକ୍ତି ଏତେ, ଦେଖି ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ ସେଇଠି। ଅନ୍ତର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ସନ୍ତ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ନା, ଠିକ୍ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆସିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କଥାର ଅବତରଣ କରାଯିବ, ଦେଖି କ'ଣ ସୁଖ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଠିକ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ସୁଖ। ଏ କଥାର ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ତ ଅମୃତ ଅଛି। ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତମରି ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ପୁରା ତପ୍ତ ସନ୍ତପ୍ତ। କାହିଁକିନା ବିରହର ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ, ଜଠର ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଜଠରାଗ୍ନି କୁହାଗଲା, ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଚନ କରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶୀ ଥିବ, ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା, ସେ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ତାକୁ ହେଲା ବିରହ ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥନେଷୀ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ପରେ କିଛି କାନ୍ଦି ପକଉଛେ, ଲୁହ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉ ସେଇ କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସାଇଟି ଏମିତି ହେଇଗଲାନି, ଭଡ଼ାଟିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ସମାଜ ହେଇଗଲାନି। ଲୋକ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଘରେ ମରିଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇଟେକ୍ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ତ ଅନୁଭବ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରେନି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନକଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ତାଙ୍କରି କଥା ନ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି, ସେମାନେ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ପାଷାଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହଟା କ'ଣ? ବିଗ୍ରହ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ବସିଲେ ବସିବେ, ଯେମିତି କହିଲେ କହିବେ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି, ସେମାନେ କଥାରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନା ମର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିତି ଯିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେ ସୁଖ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସୁଖ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏକାକୀ ଭାବରେ ନିରୋଳାରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ସେ ସୁଖ ତୁଳନା ଜଗତର ସବୁ ସୁଖ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତପ୍ତ ଜୀବନ ତବ କଥା ଅମୃତମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପୁରା ତପ୍ତଭୂତ ହେଇଛି ନା, ଏ ବିରହ ଅଗ୍ନିକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ତମର କଥାର ଅମୃତ ହିଁ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି ଆମକୁ। ତମ କଥା ଅମୃତ ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ, ତମର କଥାରୂପକୁ ଅମୃତ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ କୋହରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିରହ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିଛୁ ମହାରାଜ। ତବ କଥା ଅମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ କବି ଭିରିଡ଼ି ତମ, କବିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁକ, ସେମାନେ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାର ସୁଖ ଅଳିକ ଅବାସ୍ତବ ଟେମ୍ପରାରୀ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାର ଯାହା ବି ଜାଗତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ସବୁକିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜଗତ, ତାପରେ ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯାହାକୁ ବି ଧରିକି ରଖିବା, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି ଦିନ ନା ଦିନ,
आम पाखु दूरेइ जीव संसार तयारी कराइछे संस्कृति ती संसार तेणु कवि जो मैंने कवि से कहला जागतिक पोएट को कवि कह जाए जो मैंने किसी भावती किसी लिखी दिखती कविता कवि से मैंने जो मैंने आध्यात्मिक रस को आस्वादन कर जो मैंने भगवत सम्बन्धे समुदूत हो कि अप्राकृत जगतर सुख को अनुसंधान करो मैंने कवि कह अंतकरण जो भाषा बाहर तर अनुभूति संपन्न जो व्यक्त जो कथा प्रकट हुए से कथार मर्यादा जगत बहुत रही से कथ आधार कर सत मैंने बंची भक्त मैंने बंची कवि विरित कलमसा भ्रम आ तुम कथार कार्य प्रभाव ये प्रभु जिते कलमस अच्छी ना जिते अपशकुन अच्छे जिते प्रकार अनर्थ अच्छे जिते दुख अच्छे सब दूर हो जाए जिते दुख अच्छे जगत रे भगवान कथार ये शक्ति जगत रे जिते आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिक तीन प्रकार जो दुख रही जगत सबकि क्लेश दुख ताप सब नष्ट कलमसा अपहन नष्ट भगवान कथा जो शुणी ना कथार चस्का जब थे लगिगला कि गोटे कथा मन रख बुद्धि बुद्धि के आश्रय कर कथा शुणिले कि बुझीपर ना कथा श्रवण करार कथा कीर्तन करार योग्यता भी था कथा कीर्तन भी कराए शरणागत ही अनुभूति अनुभव संपन्न कथा कह जाए कथा श्रवण भी कराए अनभिज्ञ सदृश बसी बुद्धि की आश्रय प्रश्रय नदे बस आस्वादन डायजेस्ट कर अंत भर अंतस्थ कर से कथार स्वाद अलग होता है कलमसा अपहन कलमस नष्ट जदि कथा जन सुनियो ना अहर प्रत्येक दिन किसी कथा शुणु देखिए टीवी रे हूँ नेट रे हूँ जहाँ भी सत्संग विशेषकर बेसी प्रभावशाली प्रत्यक्ष कथार कीर्तन गोटे जीवंत सन्त मान पाखर जीवंत वक्ता पाखर जो शुणा से कथार मर्यादा अलग ए कथा आप टीवी देखिपारे गोटे बहुत सुंदर कथ शुपारे बहुत बढ़िया भल मजा से भी आस्वादन अधिक कि सामना सम्मुखें बस कथा शुणार जो आस्वादन से परेश तुलना करने कौन से जगत वस्तु ना इतने कही कलमसा अपह श्रवण मंगल कहले तुम कथा महाराज जन भक्ति था कि न था आम मान कह जगत रे कार भक्ति था कि न था भक्ति कौन भगवान कौन से किसी बुझु कि न बुझु से नास्तिक को विधर्मी हो पाखंडी हो धर्मदेज हो जी भी हो ना कहीं तुम कथा शुणिला मात्र मंगल औषध ज्ञान जार था कि न था औषधर परिणाम प्रति तार फल प्रति कार विश्वास था कि न था औषध सेवन करिया मात्र से क्रिया मान कर से प्रकार भगवान कथा भी गोटे प्रकार महोत्सव परिणाम भी गोटे महोत्सव आपको शुणिला मात्र ही मंगल कौन मंगल हम सो अमंगल दूर हो अमंगलटा कौन आम अमंगल ताकू कहगला जो जो जगत को आसते जहाँ करने आई आम उल्टा ट्राक गति करे एम जगत सब कि अमंगल जहाँ भी कर मंगल केवल हूँ मंगल भगवान विष्णु जो कहते भगवत भित्तिभूमि आध्यात्मिक चेतना उपर उद्भुत होगा तार उपर आम जो जीवन मानदंड याम प्रत्येक क्रिया मंगलमय हम कि भगवत्च्युत हो धर्मच्युत हो कि आध्यात्मिक चिंतन करवानी खाली कष्ट पैसा अर्जा संसार कर भोग कर मना ना मंगल कहुए सत मैंने महात्मा मंगल कहना से किसी जगतिक सुख पाई मना ना जगतिक सम्मान कि मंगल ना सब किसी छाड़ी शेष हाय हाय कर वास्तव मंगल कहगला श्रवण मंगल हरिकथा श्रवण कले मंगल ही हम कि आम मान मान दृष्टिकोण ये प्रकार कौन मिल से हरिकथा कले प्रकार कहीं दृष्टि विचारटा आम दृष्टिकोणटा सद्य फल देखु मिराकल आमको दरकार कथा शुणिले कथा शुणापुर किसी गोटे हो दरकार तेल भक्त जहाँ कथार किसी सत्य अच्छे यही दृष्टिकोण आम ठीक नुह यहाँ क्या भगवत कथा भगवत आराधना भगवान सेवा आर फल जे के उत्कर्ष से समय बुझाए जे बुझे से बुझे सद्य फल प्राप्त दिए फल दिए किंतु एत सुंदर से फल दिखती जो फल तुम्हें जगत रु फल फिका पड़ जाए विश्वास दिया दरकार कि आम दृष्टिकोण कौन कौन टी खाली जगतिक सुख टे मिलगले होगा से ना सीटा तो समस्ते पाँच आज्ञा
मनीष इतर पशुपक्षी मान पाऊँ कह आयु हरती वैपुष उदय यदक्षण नीट कहला आयु हरती वैपुष कहले पुरुष मान आयु हरण हूँ उदय अस्त चयन सु सूर्य भगवान जो दिवाकर उदय हूँ अस्त हूँ आयु नष्ट कहल यदक्षण नीत उत्तम श्लोक वार्ता बुद्धिमान कहला उत्तम श्लोक जे कि कृष्ण भगवान तांकरी कथा वार्ता मान तांकरी कथा तांकरी नाम को सब स्मरण चिंतन कीर्तन करिया दरकार जो माने भगवत कथा कीर्तन करूना आध्यात्मिक चिंतन करूना सत्संग करूना ये सब धार्मिक भित्तिमि जीवन समय को विनियोग करूना से मैंने जहाँ भी करम नष्ट आयु हरती वैपुष सूर्य उदय हे सूर्य अस्त हे गोटे माइनस होगा जीवन परमायु पक्का गोटे सेकेंड आम बढ़े पारे से समय यथार्थ मूल्यांकन होता है जो मैंने जीवित अवस्था किसी समय को भगवत सेवार नियुक्त विनियोग करती वंचित भितर इंद्रिय सब तेज सतेज या भितर जो मैंने भगवत सेवार निजी नियोजित करती किसी समय विनियोग करती चिंतन करती शरीर को सेवार विनियोग करती निजर सामर्थ्य को भगवान सेवार विनियोग करती से जीवन मूल्यांकन ठीक है इतनी कहगला श्रवणं मंगलं श्रीमदातीतं जिते सब श्रीमद जिते सौंदर्य जिते ऐश्वर्य जिते विभूति जिते सौभाग्य सब किसी भगवत कथार अच्छे आज्ञा हरिनाम करिए हरिभजन करिए हरिकीर्तन करिए सत्संग करिए जगत सब संपद ठूल हम सब ऐश्वर्य सब सौंदर्य से आम पाखे ठूल हो कही तब कथामृत तत्त जीवन कवि विरित कलमसापहम श्रवण मंगल श्रीमदातीत भुवि गुणंती जो भूरीदा जना भुवि गुणंती भूरीदा जना भूरीदा मान जो मैंने दान करती दा मान दान दाता जगत से बड़ दाता कह जाए जो मैंने भगवान कथा को कीर्तन करती भगवत नाम को जो मैंने कीर्तन करती हरि कथा जो परेषण करती से जगत रे दाता कहीं ना वास्तव से दाता अच्छा अन्य मान को दाता कहुन हाँ अन्य मान भी दाता जो मैंने किसी अर्थ दान कर रक्तदान कर वस्त्र दान कर खाद्य दान कर अन्न दान कर ये भी दान एम भी दाता कह जाए कि दाता यही दान रल हरिकता था जन को कल्याण करें जन को वस्त्र दवा कि दिन पर वस्त्र तो चिरीज आम जन को खाद्य दवा कि संपर्क से क्षीदार्थ हम कि जन को भगवत भक्ति मार्ग को उद्भुत करवा आध्यात्मिक चेतना को भितर तक उद्भुत करवा अनुप्राणित करवा भाई आस टे हरिभजन कर सत्संग कर भगवान का सेवा टे कर यही प्रकार जब आम जन को अनुप्राणित करवा तार जिते मंगल हम आप जगतिक वस्तु जिते मंगल हम से प्रकार एथपे कहला भूरीद जना भगवत कथा जो परेषण करती हरिनाम जो कीर्तन करती से दाता जगत कई ना आज्ञा एम दयाल दाता आर के अच्छे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगत को आसते दाता किए अच्छा सारा जगत आज प्लावित करें हरिकृष्ण महामंत्र सारा विश्व आज से नाम महामंत्र आज पूरा मैसूर पूरा डूबी पूरा समस्त ए अनुप्राणी उद्भुत होती महाप्रभु ये श्लोक गुड़ आस्वादन करते यही आम करे जहाँ उत्सव करुचे उत्सव कर उद्देश्य हूँ किसी सत्संग हम किसी कीर्तन हम किसी लोक आसवे जो मैंने आसी पारना भाइब्रेसन हम से कथार तरंग से कथार नाम तरंगायित हम प्रत्येक अणुपरमाणु से सन्निहित हम सम्मिलित हम से जहाँ को स्पर्श करे से क्रिया करें कथा ये हरिनाम ये जदि आम जागतिक भाषा प्रयोग करुचे कि वास्तवत यथार्थ तो अप्राकृत शब्द ही सब कृष्ण कह शब्द ही अप्राकृत भगवत नाम ही अप्राकृत उच्चारण कला मात्र से नष्ट है से सब थाए प्रत्येक अनुपरमाण यही एक कथा अहनसी कीर्तन हवा दरकार आ विशेषकर भगवान को बेसि कीर्तन है ठाकुर जी उत्सव कराऊ आसर जमीन था खुशी न था यहाँ निहाती दरकार आम भले के आड़म्बर कर हाथी घोड़ा नहीं आसिया बाजा बजा सब किसी करें जब हरिनाम आम तो 15 वर्ष अनुभव होगा
ଆମେ ବହୁତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଂହ ବାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆ ବାଜା ନେଇ ଆସିବା, ଦୁନିଆ ସବୁ ପଟୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି? ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚନ୍ଦନର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଧା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଡେକୋରେସନ କରିପାରେ, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଏ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନର ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ହବ କି ନାହିଁ, ହବ କି ନାହିଁ, ବାଳାଜୀ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମଠ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତରେ ବୁଝି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଭଲେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ସଫଳତାର ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଖୁସିର କଥା। ଦିନା ଦିନେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ବି ସାର୍ଥକ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଇଏ ବୁଡ଼ିବନି, ଇଏ ଚାଲିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାର ଫଳ ହିଁ ମହତ। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ତା ଟ୍ରାକ୍ ବି ଭୁଲ ହେଇଥା, ରିଜଲ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି କରାହେଇଥିଲେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏରିଆର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କିଛି ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ, ମହାରାଜ ଟିକେ ଅପେରା କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଟିକେ ମୀନା ବଜାର ପକାଇଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଟିକେ ମେଲୋଡ଼ି କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗି କହିଛୁ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ମାଟି ଗୋଟେ ସାଧୁରେ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଜଗତରେ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ତ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କଲେସିନ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତା'ର ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ଖନ୍ତଟା ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓ ମହାରାଜ ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭଲ ତ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର ତ ନେଇ ଆସିବା ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି। ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଜୀ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଲୋକ ଯଦି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକାଇଥାନ୍ତେ ଟେଣ୍ଟ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛ କର, ଦେଖ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ତମେ ଡକେଇକି ଆଣିଛ, ତମେ ହିଁ କରିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ଉଛ କନ୍ଦଉଛ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଗର୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ Thank you.
ସମସ୍ତେ ଯିବା ନା ଠାକୁର ନେଇ ଆସିବା ନା କି ଜଣ ବସିବେ ଏଠି ଯଦି କିଏ ବସିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁଥିବେ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଯିବୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ।